धार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की चलानी कार्यवाही के तहत आज धार कोतवाली नौगांव थाना और धार यातायात पुलिस की संयुक्त कार्यवाही घोड़ा चौपाटी पर की गई, जिसमें दोपहिया वाहनों के आवश्यक कागजात लाइसेंस आदि की जांच की गई और ऐसे वाहनों के भी चलान काटे गए जिस पर नंबर प्लेट पर कुछ लिखा हुआ था। धार यातायात प्रभारी राजेश बारवाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की चलानी कार्यवाही की जा रही है, जिसमें दुपहिया वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। ऐसे वाहनों के चलान भी बनाए जा रहे हैं जिन पर नंबर प्लेट पर कुछ लिखा हो या फिर नंबर टेढ़े मेढ़े लिखे हैं, तथा शायरन वाली बुलेट को तो कतई ही नहीं छोड़ा जा रहा। इतना ही नहीं, उन चालकों को भी नहीं बख्शा जा रहा जो नाबालिग हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 250 वाहनों को चेक किया गया है, जिसमें से लगभग 40 वाहनों के चालान काटे गए हैं। पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, क्या है ये? धार जिले में एसपी साहब के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत वाहन चेकिंग की जा रही है। इसमें ऐसे वाहन जो विदाउट नंबर प्लेट है, विदाउट हेलमेट है, या जिनकी नंबर प्लेट विधिवत नहीं है, या तीन सवारी चल रहे हैं, या अन्य दस्तावेज नहीं है, उन वाहनों की चेकिंग हो रही है, उसकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। कितने वाहनों की अभी कार्रवाई हो गई है? अभी तक लगभग यहाँ पर तीन थानों की चेकिंग लगी है, नौगांव, कोतवाली और यातायात। इसमें से लगभग 200-250 वाहन चेक किए हैं और चालानी कार्रवाई भी वर्तमान में की जा रही है, और अभी लगभग 35-40 चालान बन चुके हैं। आपका नाम? हाँ, मैं यातायात प्रभारी राजेश बारवाल।